उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी में सात चरणों में चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जालौन में जिला प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बैनर हटवाने शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम देर रात जिला मुख्यालय उरई की सड़कों पर होर्डिंग उतारती नजर आई। बता दें कि जालौन में तीन विधानसभा है जिसमें उरई, कालपी और माधोगढ़ विधानसभा शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार यहां तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव आयोग की आचार संहिता लग चुकी है और उनकी घोषणा हो चुकी है, जिन पर जालौन में तृतीय चरण में 20 फरवरी को चुनाव की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। तो आचार संहिता लगने के पश्चात जो नियमानुसार हमें कार्रवाई की जानी चाहिए बैनर पोस्टर हटाने का, उसको हम जिला प्रशासन ने पूरी तरह से शुरू कर दी है। सभी तहसीलों में और नगर पालिकाओं में विभिन्न टीम्स बनाई गई हैं और ये टीम जो है बैनर पोस्टर हटाने और यदि कहीं कुटाइयों को हटाने का कार्य करेंगे और निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न कराएंगे।